सो व्हाट्स अप गाइस, जिल किंग बैक है। तो गाइस मैं फाइनली लेके आ चुका हूँ गाइस हार्ट सीरीज़ का पार्ट सेकंड। और गाइस मैंने ऑफलाइन खेलते हुए काफ़ी सारे डिस्कवरीज किए हैं, डायमंड ढूंढे हैं, और गाइस उन्हें आज हम माइन करने जाएंगे। गाइस स्केलेटन फार्म बनाया है, अपने एक नया घर बना लिया है। तो जल्दी से आपको गाइस सब कुछ दिखा देता हूँ और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ओके गाइस, ये रहा मेरा घर। और गाइस सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे रेल लगा रखी है, और रेल में कहाँ लेके जाती है जल्दी से गाइस आपको लेके चलता हूँ। या रेल में कहाँ लेके जाती है, चूँकि मेरे को काफ़ी सारा आयरन मिल गया था, रेड स्टोन और गोल्ड मिल गया था, इसी वजह से गाइस मैंने इसे बना लिया। सो ओके गाइस, मुझे ये हमें अंडरग्राउंड लेके जाती है, चूँकि जहाँ पर मैं रखूँगा विलेजर्स को। ओके पहले से माइन कार्ट है। सो ओके गाइस, यहाँ पे मेरे विलेजर्स हैं, पर यहाँ पे दो ही विलेजर्स हैं। ओ गाइस पता नहीं क्या हैक हो गया है, ग्लिच हो गया है, ये सब एक 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 में ही दे रहे हैं, पता नहीं क्या है भाई। गाइस मेरे को लगा डिस्पोन हो जाएंगे, इसलिए मैंने नेम भी दे दिया, फिशिंग कर रहा था मैं गाइस, इसलिए मुझे नेम टैग भी मिला। उन्हें गाइस जो भी चीज़ मिलेगी मैं चेस्टों में रख दूँगा। गाइस चलते हैं जल्दी से। ओके गाइस हम अपने घर आ चुके हैं। ओके रेल ले लेते हैं, और इस छोटा सा गाइस हाउस टूर देता हूँ आपको मैं अपना। यहाँ पे है ब्लास्ट फर्नेस, फर्नेस स्मोकर और एक और फर्नेस। यहाँ पे गाइस मैंने बालकनी बना रखी है मॉब्स को गाइस मारने के लिए, जो कि मैं बहुत से मारता हूँ जब मॉब्स मेरे को सोने नहीं देते। यहाँ पे गाइस एक और बालकनी है, दोनों साइड बालकनी बना रखे है गाइस मैंने डेकोरेशन के लिए। और गाइस यहाँ मैंने अपर फ्लोर में है गाइस बेड, दो चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल, ब्लास्ट फर्नेस स्मोकर और एक एनविल, जिससे मैं अपनी तलवार स्वॉर्ड इन सब को गाइस मैं रिपेयर कर लेता हूँ कभी कभी। सो ओके गाइस, ये मेरा चेस्ट रूम है जिसमें गाइस मैं अपना सामान रखता हूँ। ओके गाइस वैसे तो ये चार चेस्ट में सामान है, बाकी ये सब खाली है, मेरे पास इतना सामान है नहीं। बाकी गाइस मेरा सारा सामान जो है वो नीचे रखा हुआ है, जो मैं माइनिंग से लाता हूँ। जल्दी से नीचे चलते हैं। सो ओके गाइस नीचे आ गए हम, यहाँ पे तीन कमरे हैं। और गाइस पहले कमरे में ओके गाइस ये तो मेरी माइन है। ओके गाइस माइन मैं बाद में दिखाऊंगा, गाइस डायमंड लेने चलेंगे माइन में बाद में। ओके गाइस यहाँ चलते हैं। और गाइस ये जो रेल है वो हमें लेके चलती है हमारे स्केलेटन फार्म पे, जिसमें मुझे काफ़ी सारी लूट मिलती है। ओके यहाँ एक और माइन कार्ट है, इसे ब्रेक कर देता हूँ वरना दोबारा घूमती रहेगी। ओके गाइस यहाँ पे स्केलेटन आते हैं, पर अभी है नहीं, वाटर के थ्रू आते हैं। और गाइस जो सामान होता है वो यहाँ हॉपर और के थ्रू यहाँ ड्रॉप हो जाता है। ओके ओके गाइस मैंने यहाँ पे एक चेस्ट प्लेस कर रखा है, जहाँ पे गाइस मैंने बहुत सारे स्वॉर्ड सर्व किए, जो कि गाइस मैं काफ़ी बार स्वॉर्ड ख़त्म हो जाती थी, फिर ऊपर जाके बनानी पड़ती थी, इसलिए गाइस मैं रख दी। जो कि गाइस यहाँ पे हमारा स्पॉनर, जो कि अब पता नहीं कम स्पॉन करता है, पर करता है एक बार में काफ़ी ज़्यादा कर देता है, फिर करता ही नहीं है, क्या दिक्कत है पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है शायद। सो गाइस मैं अभी इसे थोड़ा अपडेट करूँगा, इस रूम को थोड़ा अच्छा सा बनाऊँगा। बाकी गाइस मेरे चेस्ट रूम में चलते हैं गाइस, जो कि मेरा सेकेंड चेस्ट रूम है, और जितना माइनिंग से सामान आता है वो यहाँ आता है। गाइस मैंने हर ब्लॉक का पार्टीशन कर रखा है, जैसे डर्ट का यहाँ पे है, मेरी सारी डर्ट यहाँ रहती है। कॉपर स्टोन से तो गाइस पूरा चेस्ट फुल हो रखा है, ग्रेवल, एंडरसाइड, ग्रेनाइट, स्टोन, सैंड, सब के लिए गाइस मैंने अलग अलग पार्टीशन कर रखा है। यहाँ पे गाइस मेरी फ्लिंट, कोल, रेड स्टोन, आयरन, जितनी भी चीज़ें कोल से माइनिंग से आती है गाइस मैं यहाँ रख देता हूँ। काफ़ी सारा गोल्ड है, रेड स्टोन है, आयरन है, बहुत कुछ है गाइस हमारे पास, लैपिस भी है हमारे पास, गोल्ड है, कुछ गोल्ड को मैंने मेल्ट नहीं किया, और आयरन को भी। गाइस गन पाउडर भी आ चुका है मेरे पास, और मैं बोले विलेजर से ट्रेड करता रहा हूँ, इसलिए मेरे पास 14 एमरल्ड्स भी हैं। गाइस मेरे पास फिलहाल तो दो डायमंड्स हैं, पर और डायमंड्स हम लेने जाएंगे। यहाँ पे गाइस मेरे जितने भी आर्मर है वो है मेरे टूल्स और मेरे फूड, पर मेरे को दो गोल्डन एप्पल भी मिले थे क्योंकि स्पूनर के पास चेस्ट था। सो गाइस चलते हैं सीधा माइन में डायमंड्स लेने। सो ओके गाइस चलते हैं माइन में। और गाइस मैंने यहाँ स्टेयर्स बनाई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था गाइस माइन बनाने में,
गाइस इतना ज़्यादा हो, मेरी कम से कम 4 पिक्स तो लगी गई थी। और नीचे एक केव भी मिली थी मेरे को, जो कि मैंने डिस्कवर कर चुका हूँ पूरी। ओके सो ओके गाइस सीधा चलते हैं। और गाइस यहाँ पे मेरे को ओके डायमंड्स सारे ब्रोक गए, जल्दी से जल्दी ले लेते हैं। टोटल 10 है, ओके 10 डायमंड्स हो चुके हैं गाइस। और 10 ही नहीं है गाइस, काफ़ी सारे ब्रोक है, ऑलमोस्ट 40 के 40 42 के अराउंड है। तो गाइस चलते हैं सबको लेने। ओके गाइस देख रहे हो, नहीं लक देख रहे हो भाई, गोल्ड है, गोल्ड को भी ले लेते हैं। अरे यार यहाँ पे गाइस लावा है यार भाई, क्या करूँ। अरे यार मेरे को यार अब कॉपर स्टोर लगा के जाना पड़ेगा गाइस, एक भी मैं गोल्ड का ब्लॉक छोड़ना नहीं चाहता गाइस, एक ब्लॉक भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है गाइस। यहाँ पे डायमंड है, सारे ब्लॉक ले लेता हूँ। सो ओके गाइस ग्रेवल हटा के ऑलमोस्ट 16 हो चुके हैं, 6 और मिल चुके हैं, 2 गोल्ड के ब्लॉक है, ये भी ले लेते हैं। ओके फाइनली अब गाइस आगे जाएंगे। वाइस मैं स्ट्रेट माइनिंग करता तो मुझे कुछ नहीं मिलता, और अगर लेफ्ट राइट करना स्टार्ट कर दिया तो वाइस डायमंड सीधा ही डायमंड्स मिल जाते गाइस। यार ग्रेवल से एक तो मैं परेशान हुआ है, सब सीधा के गिर जाती है। एक बार तो गाइस मैं मर चुका हूँ ऑफलाइन में ग्रेवल की वजह से। सो ओके गाइस मोर डायमंड्स हैं। ओके डायमंड्स आप सोच रहे हो ख़त्म ही नहीं हो रहे, मैं कुछ किया होगा, पर गाइस कुछ मैंने नहीं किया है। ये गाइस मेरे को डायमंड्स मिले ही जा रहे हैं, पता नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लक हमारा अच्छा है। गाइस आयरन की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, काफ़ी ज़्यादा आयरन पड़ा है, ज़रूरत होगी तो गाइस ले जाऊँगा। सो ओके गाइस लास्ट डायमंड लेने का वक्त आ गया है, यहाँ पे है डायमंड्स। ओके गाइस हमारे 36 डायमंड्स हो चुके हैं, थोड़े से और ब्लॉक्स बचे हुए हैं। सो ओके गाइस 44 डायमंड्स हो चुके हैं गाइस हमारे पास। बस एक लैपिस भी दिख रहा है मुझे आगे, तो लैपिस को लेते हैं, बस सीधा घर पे चलते हैं। अबे यार मैं क्यों पंतिया कर रहा हूँ गाइस, लैपिस 2 ब्लॉक हैं, ओके 2 ही हैं, जल्दी से गाइस चलते हैं घर पर। सो ओके गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और वुड ले लेता हूँ, स्टिक्स ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को आर्मर बनाना है और कुछ टूल्स बनाने हैं डायमंड के। सो ओके वुड ले लिया, स्टिक्स नहीं है मेरे पास। सो गाइस फिशिंग करते करते मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फॉर्चून फ्लेम और चैनलिंग मिल गई थी। अब गाइस मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि बो में लगाऊँ, अपने आने वाले ट्राइडेंट पे लगाऊँ, पिकैक्स पे लगाऊँ, कंफ्यूज हूँ मैं गाइस। गाइस मैं सोच रहा हूँ ट्राइडेंट पे, पर गाइस चलते हैं जल्दी से यहाँ पे। गाइस मेरे जो बाकी के बचे हुए 2 डायमंड्स हैं उन्हें भी ले लेते हैं, 46 डायमंड्स हैं गाइस हमारे पास टोटल। ओके स्टिक्स बना लेते हैं। ओके स्टिक्स बन गई है। गाइस मैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस इंचेंटमेंट रूम बनाऊंगा और इंचेंटमेंट टेबल बनाऊंगा। गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी बिल्कुल मिस मत करना। गाइस एक स्वॉर्ड, एक पिकैक्स, एक हेलमेट, चेस्ट प्लेट, ओके लेगलिंग्स और बूट। सो ओके गाइस वेयर कर लेता हूँ, इनको पहन लेता हूँ। ओके गाइस इन्हें कस्टमाइज कर देता हूँ। सो ओके गाइस डायमंड का पूरा गियर पहन लिया हमने और हमारा प्लेयर लग रहा है बिल्कुल बैड एस। सो ओके गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगली वीडियो गाइस बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में गाइस मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने वाला हूँ, बुक शेल्फ बनाने वाला हूँ, और अगले पार्ट में गाइस इस पूरे गियर को एन्चेंट करने वाला हूँ और पूरे एन्चेंटेड गियर पहनने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। बाकी आज के लिए बाय बाय।